अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। पहला सवाल है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास कोई मेथड मेंशन नहीं है कि एचसीएफ आप लोगों ने बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है या बाय फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे, क्योंकि एज कंपेयर टू डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन हमारे पास आसान है। जब कोई भी मेथड मेंशन नहीं हो तो कोशिश करें कि क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से हल करें और एचसीएफ को फाइंड करें। क्वेश्चन है हमारे पास 39x पावर 7, y पावर 3, z पावर 1, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पर 91x पावर 5, y पावर 6, z पावर 7। सबसे पहले हम यहाँ पर इन कॉन्स्टेंट टर्म को देखते हैं, तो ये दोनों हमारे पास एक ही टेबल में यहाँ पर आ सकते हैं, और वो टेबल हमारे पास है 39 को अगर देखें तो ये 3 और 13 दोनों टेबल में आ सकता है। तो हम इसको लिखवा देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसी तरह अगर हम 91 को देखें तो 91 भी हमारे पास 7 के टेबल में भी मौजूद है और साथ साथ 13 के टेबल में भी मौजूद है। 7 को मल्टीप्लाई करें 13 के साथ या 13 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 91 ही आप लोगों के पास आएगा। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 13 या 13 मल्टीप्लाई बाई 3, हमारे पास 39 ही उससे आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमने देखना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों एक ही टेबल में आप लोगों के पास आओ, ताकि वहां से हम उसको फिर कॉमन कर सकें। कोशिश आप लोगों ने पहले ये करनी है, देखना है आप लोगों ने कि क्या ये दोनों नंबर एक टेबल में मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर एक टेबल में मौजूद हो तो वो आप लोग के लिए क्वेश्चन जो होगा वो आसान बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं x पावर 7, और यहाँ पर तो x पावर 5 है हमारे पास। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 एक्स का और यहाँ पर 7 है, तो हम x पावर 7 को ब्रेक कर लेते हैं 2 हिस्सों में, और इसको हम लिखवा देते हैं x पावर 5 इंटू x पावर 2, क्योंकि जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो वापस आप लोगों के पास x पावर 7 ही आ जाएगा। इधर x पावर 5 अपनी जगह पे लिखवा दिया। इधर देखा जाए, y को देखा जाए, तो यहाँ पर y पावर 3, यहाँ पर y पावर 6। तो y पावर 3 को तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन y पावर 6 को हम 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, y पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y पावर 3, क्योंकि जब दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो वापस उससे हमारे पास y पावर 6 आ जाएगा। और तीसरा, हमारे पास दोनों में जेड मौजूद है, तो इधर हमारे पास z का पावर 1 है और इधर z पावर 7 है। तो z पावर 1 को तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर z पावर 7 को ब्रेक करना है और लिखवा देना है z पावर 6 मल्टीप्लाई बाई z पावर 1, क्योंकि जब ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो वापस हमारे पास z पावर 7 आ जाएगा। जब सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर आपस में एड हो जाते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, जब हमने इसको फैक्टराइज किया, इसकी फैक्टराइज फॉर्म हमने इस फॉर्म में लिखवा दी और इसकी फैक्टराइज फॉर्म हमने इस फॉर्म में लिखवा दी है। अब जब हम देखते हैं 1 और 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम यहां पर देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स। सो जो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास, आप लोग देख, 13 x पावर 5, इसी तरह y पावर 3 और z पावर 1, या सिंपल हम z लिखवा देते हैं। तो जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारे पास बन जाएगा HCF 13 x पावर 5 y पावर 3 इंटू z, या इसको हम कहते हैं GCD भी इसको हम कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम इसको कह सकते हैं, कि ये आप लोगों के पास एक ऐसा टर्म है, इससे बड़ा कोई नंबर आप लोगों के पास नहीं होगा जो इन दोनों एक्सप्रेशंस को, इन दोनों पॉलीनोमियल्स को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो इस सीएफ में हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखना पड़ता है, कि आप लोगों के पास जो कॉमन होता है वही आप लोगों के पास बन जाता है, उसी का HCF। नाउ कमिंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म थे, और हमने इन तीनों को अलग अलग फैक्टराइज करके हमने उनमें से कॉमन फैक्टर देखने होंगे, और कॉमन फैक्टर देखने के बाद जो भी रिजल्ट हमारे पास उससे आएगा वही बन जाएगा हमारे पास HCF। सो 102 x y पावर 2 z।
अब यहां पर ये 102 है, इसी तरह 85, एक्स स्क्वेयर, वाई जेड और 187 है हमारे पास एक्स वाई जेड पावर 2। अब यहां पर देखिए तो हमारे पास यहां पर कांस्टेंट टर्म है पहले मौजूद है हमारे पास यहां पर, और अगर इन कांस्टेंट टर्म को देखा जाए तो पहले में हमारे पास 102 102, दूसरे में 85 और तीसरे में हमारे पास यहां पर है 187। तो जब हम यहां पर 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 के साथ तो उससे हमारे पास रिजल्ट आएगा 102 आएगा, और यहां पर तो x, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर, यहां पर वाई स्क्वेयर, तो यहां पर वाई, यहां पर जेड तो यहां पर भी जेड है। इट मीन दैट हमें सिर्फ और सिर्फ इस y वाले को दो हिस्सों में लिखवाना है, y इंटू वाई जेड, ये 1 बन गया। इसी तरह हमारे पास 85 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 17, x को ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में क्योंकि बाकी को हम ब्रेक नहीं करवा सकते, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास पावर 1 फॉर्म में ही। और तीसरा हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है वो है 187, तो 187 को हमने लिखवा दिया 11 मल्टीप्लाई बाई 17 और एक्स वाई अपनी जगह पे आ गया और हमने यहाँ पर जेड को ब्रेक कर दिया। अब जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास ये टर्म दोबारा आ जाएंगे। अब जब हम इन तमाम को कंपेयर करते हैं और इन तमाम को हम देखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, हम यहां पर जो हासिल कर रहे हैं, यहां पर आप लोग देखो तो इसमें आप लोग के पास कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर यहां पर कौन कौन से 17 तमाम में मौजूद है, इसी तरह एक्स भी तमाम में मौजूद है, सिमिलरली वाई भी तमाम में मौजूद और इसी तरह जेड भी तमाम में मौजूद। अब इससे बड़ा हमारे पास यहां पर और कोई नंबर नहीं है कि जिसका पावर आप लोग के पास बड़ा हो और हम उसको कॉमन कर सके, यही हमारे पास सबसे बड़े नंबर है यहाँ पर जो कॉमन है। तो जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाता है वही आप लोगों का होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 17 एक्स वाई जेड यही हमारे पास इसका कहलाएगा HCF कहलाएगा। और अगर हम फिर एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम पर आप लोग यहाँ पर जो बाकी यहाँ पर जो टर्म रहेगी वो आप लोग के पास नॉन कॉमन बन जाएंगे, तो फिर आप लोगों ने कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करना होगा तो वही आप लोग के पास पर एलसीएम बनेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम एचसीएफ को फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं कि एचसीएफ को कैसे फाइंड करना है, तो एचसीएफ को हमने इन दो सवालों में काफी डिटेल के साथ फाइंड किया और आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि एचसीएफ में आप लोग सबसे पहले उसको फैक्टराइज करते हो, अगर फैक्टराइजेशन की बात हो हमारे पास, डिविजन में फिर हम मेथड जो होगा वो लॉन्ग डिविजन मेथड से करवाते हैं और उसमें हमें फिर एक और तरीके के मुताबिक वहां पर HCF को फाइंड करना होता है। लेकिन जब बात फैक्टराइजेशन की हो तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेशन जितने भी पॉलीनोमियल हमारे पास गिवन होंगे उन तमाम को हमें फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करने के बाद देखना होगा कि उन तमाम में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वही हमारे पास उसका बन जाएगा HCF। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने HCF को फाइंड करने का तरीका सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम HCF बाय फैक्टराइजेशन हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।